हेलो फ्रेंड्स, ये देखो मैं तैयार हो चुकी हूँ और आज मैंने साड़ी या सूट ना पहन के आज मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया है। तो आप लोग भी देखो कि मैं कैसी लग रही हूँ इस ड्रेस में। अब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझ पर ड्रेस कैसी लग रही है, क्योंकि आप तो मुझे इस ड्रेस में फर्स्ट टाइम देख रहे हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यहाँ पर मैं मंदिर आ चुकी हूँ। आज मैं ब्लॉग अपने हस्बैंड के बर्थडे सेलिब्रेशन का स्मॉल तरीके से जो ब्लॉग है वो शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी वीडियो की नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सब मंदिर में हैं और मंदिर में हो रही है आरती। और जब हम आए थे तो टाइमिंग यही आरती वाला ही था, 7:30-8 लगभग हो रहा था। और उसके बाद आजकल ना दिन मतलब जल्दी कम देर में ढलता है, तो इसलिए देर में आरती स्टार्ट हुई। और उसके बाद अच्छी थी कि आरती हम लोग को भी प्राप्त हुई, क्योंकि हम ऐसे समय पहुँचे। ये भोले शंकर का मंदिर है, मंदिर बहुत ही अच्छा है। पहले भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया, अक्सर हम यहाँ पर आया करते हैं बिकॉज ये हमारे घर से पास में ही है। और भोले शंकर की मुझ पर बहुत उनके ऊपर मुझे बहुत आस्था है, तो इसलिए उनके मंदिर या कोई भी प्रभु हो तो जो भी पास में मंदिर है ऐसे मौके पे दर्शन जरूरी बनता है। तो यहाँ पे मैं आपको बाहर से भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये देखो जी, पंडित जी भी बार बार वीडियो में आने के लिए वहाँ स्टॉप भी हो गए थे। इन्होंने बताया नहीं कि इनको भी ब्लॉग में आना था, नहीं तो मैं इन्हें मतलब आराम से रोक के वीडियो बना लेती। खैर कोई नहीं, मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा स्टॉप करके बनाया। तो कोई चलो फ्रेंड्स, तो मेरी पूजा पाठ हो चुका था, तो यहाँ पे हम आ गए थे डोमिनोज का जो आइडिया था वो उठा था रुद्र थोड़ा अपने चक्कर में, और थोड़ा पापा के बर्थडे को सेलिब्रेशन को लेके कि आज हम पापा के लिए कुछ नया करते हैं, तो उसी का आइडिया था कि हम पापा के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि ऑर्डर करने में थोड़ा वो मज़ा नहीं आता, इससे बढ़िया हम चल के खा के आते हैं थोड़ा मंदिर, क्योंकि मंदिर तो निकलना ही था पूजा के लिए, और बाहर भी इसी बहाने निकल लेते। हस्बैंड को थोड़ा कम पसंद आता है, क्योंकि मुझे थोड़ा केक वोक का ज़्यादा वो रहता है कि कट वट करना, पर उनको ये सब में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो बस ये सोचो कि आ गए हैं वही बहुत हैं, तो वो भी बहुत मेरी कहने पे तो ना होता, लेकिन रोड की रिक्वेस्ट थी कि पापा आपका बर्थडे है और हम बाहर सेलिब्रेट करेंगे खाएंगे, तो मतलब पिज़्ज़ा खाएंगे। तो रुद्र को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, इसलिए उसको सारे डिश में पिज़्ज़ा ज़्यादा याद आता है। तो उसने पापा के बर्थडे के दिन भी खुद की रुद्र ने भी अपने पापा को गिफ्ट किया है, और हमने पूरे तरीके से सब कुछ अच्छे से मना लिया। और यहाँ पे बच्चे भी थोड़ी शरारत करने लगते हैं, शरारत क्या वो प्ले करने लगते हैं, खेलने लगते हैं। और मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये डोमिनोज का जो है ये भी हमारे घर से बहुत दूर नहीं, थोड़े पास में, क्योंकि मंदिर है, मंदिर से कुछ ही दूरी पे ये है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सोचा, क्योंकि बज रहा था जब हम यहाँ पे आए थे तो लगभग 8:30 से ऊपर हो रहा था, क्योंकि उसके बाद तो हम पास में था, तो हम लोग बोले चलो थोड़ा ऐसे समय पर थोड़ा टाइम तो दे ही सकते हैं। और यहाँ बाबू बैठे थे, मैं उनकी जब वीडियो बनाती हूँ तो देखा ही रुद्र का अपने पिक वीडियो में। तो ये देखो मेरा ऑर्डर भी आ चुका, हम लोग वेट ही कर रहे थे, तुम्हारा ऑर्डर आ चुका है। और यहाँ पे सिद्धार्थ भी खेल ही रहे हैं। तो ये हमारा रहा पिज़्ज़ा, और सिद्धार्थ रुद्र मतलब एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है पिज़्ज़ा खाने की, जो कि हर बार इनको पिज़्ज़ा मतलब जब भी खाना होता है तो आते हैं, पर फिर भी ये देखो ये छोटा सा है, छोटा क्या मतलब ठीक है। और उधर भी लोग हैं, पर हम यहाँ पे कॉर्नर में आके बैठे थे, क्योंकि बच्चे बच्चों के साथ मिलते हैं ना तो उनको ये नहीं लगता कि वो कहाँ पे हैं, वो वहाँ खेलना स्टार्ट करते थे। और हमारे बच्चे थोड़े चंचल हैं भी। तो ये देखो हस्बैंड मेरे पिज़्ज़ा ओपन कर रहे हैं और इसके बाद हम खाना स्टार्ट। तो आइए फ्रेंड्स, हमारे साथ आप भी पिज़्ज़ा इन्जॉय कीजिए और वीडियो में बने रहें, वीडियो को इन्जॉय भी करते रहें। तो बर्थडे है तो पहला कट इनका ही बनता है, तो मैंने इनको अपने हाथों से खिलाया। वैसे मैंने घर पे इनको मिठाई खिला चुकी थी मीठे में कुछ।
तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे मैं घर पहुँच चुकी हूँ, और घर पहुँच के टाइम जो रहा है वो 10:15 हो रहा है। थोड़ा लेट हो जाता है बिकॉज डोमिनोज वगैरह जाओ तो वहाँ पे ऑर्डर करने में, ऑर्डर आने में, खाने में, ये सब कुछ मिला के कुछ समय तो हो ही जाता, आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पे हम घर पहुँच चुके थे, और उसके बाद सब अपने काम में, क्योंकि सब इनके पापा ऑफिस से आए थे, डायरेक्ट चले गए थे, तो कपड़े चेंज करने में लग गए और सब लोग। तो मैंने सोचा आपके साथ वीडियो की एंडिंग भी कर दूँ। तो उसके बाद आज जो भी कुछ था मैंने बहुत अच्छे से छोटे तरीके में अपना जो ब्लॉग था आपके साथ शेयर किया। मॉर्निंग की वीडियो आपके साथ नहीं शेयर कर पाई थी, मैंने बनाया था सूजी का हलवा। आप सोचो कि बार बार सूजी का हलवा ही बनाती हूँ, तो फ्रेंड्स मेरे घर में 3 लोगों की डिमांड सूजी के हलवे, और एक है जो आटे का हलवा पसंद है, तो इसलिए सूजी का हलवा बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए सूजी का हलवा बनाया गया था। और प्रभु को मतलब चढ़ाने के बाद इनके पापा को मीठी के रूप में खिला दिया गया था। उसके बाद वो उनको लेट हो रहा था, ऑफिस चले गए। दिन भर का ब्लॉग तो उनका ऑफिस में भी था, तो उसको मैं क्या शेयर करती, और शाम को जो था मैंने आपके साथ शेयर करा। तो ये मेरी वीडियो आपको सब कुछ कैसी लगी सब कुछ आप मुझे बताना ज़रूर कमेंट में। मेरा ब्लॉग हाँ थोड़े छोटे तरीके से, एक्चुअली हम सिंपल तरीके में ही ज़्यादा बिलीव करते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा मतलब बड़े तरीके से कुछ करना, और क्योंकि इस सबका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, तो इन चीज़ों में हस्बैंड थोड़े कम इंटरेस्टेड है, तो इसलिए स्मॉल तरीके से हम और उन्होंने छोटी मोटी जो प्लानिंग की उसके तरीके से मैंने सेलिब्रेट किया उनका, क्योंकि खुद के लिए आपको पता ही होगा जो पापा होते या हस्बैंड होते हैं उनको खुद के लिए नहीं, बच्चे और फैमिली के लिए करने में ज़्यादा अच्छा रहता है, पर खुद के लिए उतना नहीं सोचते, तो उनके लिए सोचने के लिए हम लोग हैं। और मुझे यहाँ पे मिला था मेरे मोदी कैसे पैसे आए थे, तो मैंने कहा क्यों ना कुछ, जब कोई बंदा आपके लिए कुछ कर रहा है तो उसके लिए भी हमें भी कुछ करना चाहिए। और साथ में अभी 3 बीते पहले 9 को मेरा बर्थडे था, 13 को इनका, तो सब कुछ मैं वहाँ थी लखनऊ में, तो कुछ नहीं कर पाए थे, तो हमने कहा साथ मिलेंगे तब कर लेंगे। तो इनसे मैं पूछी थी कैसा लगा आप भी बताओ, तो कहते बहुत अच्छा लगा। वीडियो भी देखते हो आप ना, ज़्यादा नहीं आते, आते हैं तो सीरियस तरीके से ही आते। खैर कोई नहीं, चलो फ्रेंड्स मैं भी आपको ना गिफ्ट भी दिखाती हूँ कि मैंने इनके लिए गिफ्ट क्या मेरी साइड से और रुद्र की साइड से पापा के लिए गिफ्ट क्या था वो चलिए मैं आपको वीडियो में दिखा के थे। और अभी आज दोपहर में ही आया है, अनबॉक्सिंग मैं पहले ही कर चुकी थी। ये वॉच है रुद्र के पापा के लिए, और ये है हेडफोन जो मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से, और अभी जल्द आया, मैं अनबॉक्सिंग ही करी थी, उसके बाद मेरे बच्चे करने लगा। ये रुद्र की साइड से पापा के लिए गिफ्ट पेन। तो ये तीनों चीज़ें कैसी हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगा।